निवेदन करेंगे पूज्य गुरुदेव का पूजन यहीं के द्वारा भाभी जी और सभी गुरु बहने आए पूजन के लिए। चित्त ध्यान मखंड तम रघुपते यश प्रभाव ज्वलन तस्मय शरण छोड़ दास गुरुवे पुरवे सदा वंदनम आवाहे देवता गंधम पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालाम चंद्रमा मनसो जागृतो सूर्यो अजायतो श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निर्यायतो शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संप्रदां दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते साजं चावर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोकं तिमिरापहम् दीप ज्योति स्वयं ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप ज्योति स्वयं प्राण दीप ज्योति नमोस्तुते सर्वरो देव के माता पार्वती की चित्रकूट धाम की पूज्य श्री सर्वदेव भगवान की Yeah.
नदी ना हो तो सावन का महीना फीका लगता है। तो लीजिए प्रस्तुत है एक कजरी गीत लेकर के आ रही है बच्चियां, कैसे खेलन जाए सावन में कजरिया। प्रस्तुति
दुर्गा स्तुति लेकर के ये बच्चियां आ रही हैं, जिसके बोल है हे गिरि नंदिनी। आपके सामने है धाने चुनरिया धीरे धीरे। Cheers, honey.
अगर आप शोर करेंगे तो भगवान शंकर जी को प्रकट होना पड़ेगा तांडव के लिए। प्लीज आपके सामने प्रस्तुत है से तांडव। आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और गौरी पूजन के महत्व को बताएगा, जय पार्वती व्रत के महत्व को बताएगा। Me?
सौभाग्य की वती भव। माते मेरी रक्षा कीजिए, मेरी स्वामी की रक्षा कीजिए। माते चिंता मत करो पुत्री, सब ठीक हो जाएगा। घबराइए मत, आगे कीजिए। जी माते। यह खीर आप अपनी पत्नी सत्या को खिलाइएगा, 9 माह उपरांत उन्हें पुत्र लग्न की प्राप्ति होगी। माते कृपया आप इस व्रत के बारे में सभी को बताएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तक 5 दिनों का व्रत गौरी व्रत जया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाएगा। जो भी विवाहित स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्ण करेंगी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तथा जो भी कुमारी कन्या इस व्रत को विधि पूर्ण करेंगी उनके सभी मनोरथ पूरे होंगे। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस व्रत को करें और अपने जीवन को सुखमय बनाए। धन्यवाद। बोलो आमीन। हम आपको ले चलते हैं राजस्थान, राजस्थान प्रांत ले सकते हैं, जहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। I'm gonna go to the top.
जोरदार तालियां इन दोनों बच्चों के लिए। लीजिए प्रश्न है अर्धनारीश्वर का कथक नृत्य। शरीर काय कपूर गौराध शरीर काय चांपेय गौराध शरीर काय कपूर गौराध शरीर काय जोरदार तालियां। लीजिए प्रस्तुत है कान्हा माने ना। Oh,
नृत्य नाटिका के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसका शीर्षक है गंगा जी की उत्पत्ति। संस्कृति की अश्वमेध यज्ञ किया और ऋषि ने आदेश सिंहासन हिल उठा इंद्र का जब मिला ये संदेश इंद्र की नादान कथा सगर पुत्रों की स्वाश्रम में ऋषि कपिल बैठे थे ध्यान में लीन तभी इंद्र ने छल कपट युक्त चाल चली अति हीन 60,000 सगर पुत्रों को हुआ गलत अनुमान उन्होंने सोचा मुनिवर ने अपनी शक्ति दिखलाई अश्व की रक्षा हेतु अब करनी पड़ेगी लड़ाई कपिल ने उन्हें भस्म कर दिया प्राण का दंड पिता आदेश के मान की खातिर अपने कुल अभिमान की खातिर ऋषि आश्रम पहुंचे असमंजस पाया सब कुछ तहस नहस अब असमंजस का मन रोया क्षमा मांग ऋषिवर से उसने कहा गुरुवर उपाय बताए कैसे मिलेगी बंधुओं को मुक्ति किसका कोई मार्ग बताए हे पुत्र कठिन तप से अब धरती पर गंगा को लाना होगा पतित पावनी गंगा जल से बंधुओं को मोक्ष दिलवाना होगा भाषा में मन में अटल विश्वास लिए तप करते करते प्राण दिए अब थे भागीरथ मन में दृढ़ विश्वास लिए अब आया है समय तुम्हारा ब्रह्मा जी का कर लो ध्यान उनके ही आशीष मात्र से होगा पूरा ये अभियान पड़ेगा भारी हारेगी कैसे धरती बेचारी जाओ अब शिव की शरण में शिव की जटा में जब आए गंगा सहज गति से धरती पाए गंगा ईशम गणेशम गले कठिन तप पूर्ण हुआ अब गंगा धरती पर आएगी
मेरी जटा से होकर जाएगी। प्रसन्न हुए भक्ति से ब्रह्मा गंगा को अपने पास बुलाया, धरती पर जाने हेतु आदेश दिया और समझाया। आकर कपिल मुनि का ज्ञान सगर पुत्रों ने दिया बलिदान, सबने किया तेरा आह्वान। रिकॉर्डिंग डांस के द्वारा जिसका नाम है नंदलाला नंदलाला, तो लीजिए प्रस्तुत है ये रिकॉर्डिंग डांस नंदलाला।
Nanda, 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 Nan